भाई हम हिंदुस्तानी हैं, बगैर हिंदुस्तानी हुए हम पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। वो लोग जो इंडियन हैं वो अपने आप को कह रहे हैं हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे। अबे तुमने शक्ल आने में नहीं देखी, बिरयानी लिखा हुआ तेरे मुंह के ऊपर, सब्जी उगती है तुम्हारे कानों के अंदर, तुम आलू टमाटर प्याज पकोड़े खाने वाले कह रहे हो हम अरब है। अबे किसी अरब का देखा किसी ने निहारी खाते हुए? We are lost people. That is why we cling to Islam. एक किला है इस्लाम का, अरे भैया किला मनोड़ा का तुमसे नहीं संभाला गया, तुम क्या बात कर रहे हो? जब लड़ने को आते पिटाई कर हो जाती है, 50 मेडल लगाए होते हैं, जंग तुमने कोई जीती नहीं है। आप किसी इजरायली जनरल को देखें, उसका मेडल ही नहीं होता कोई, ना किसी अमरीकी के जनरल का होता है, जो जो हर जंग में हारे हो इतने आगे पीछे, मेरे ख्याल पीछे रेड़ा होता होगा उसके अंदर थोड़े और होते होंगे क्या भाई, प्लास्टिक वाले पीछे डाल देते। हर मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान में है उसकी माँ का रिश्ता कहीं ना कहीं से हिंदू था, वो मुसलमान हो गया। हिंदू नहीं कहते कि आप वापिस हो जाएं, वो कहते हैं जो करना करो, वो हमारी जान छोड़ो, हमारा जो टेम्पल आपने बनारस में तोड़ के मस्जिद सामने बना दी है छोड़ दो भाई, एक नहीं है, आप जाएंगे यू विल बी शॉक टू सी, काशी बनारस को कहते हैं, वहां पे लोदी साहब ने अलग किया, औरंगजेब ने अलग तोड़ा, और जो कृष्णा का टेम्पल है उस पे भी मस्जिद बनी हुई है, और कह रहे खबरदार किसी ने हाथ उठाया गर्दन काट देंगे। क्या काटेगा भाई, खुद ही बना रहे। इस्लाम कह रहे कि इनकी नॉन मुस्लिम की इबादत गाहों को टच नहीं करो, वो कह रहे फिर क्यों है जीते तोड़ोगे, तोड़ दिए। अभी आपका बुद्धिस्ट टेम्पल तोड़ा आपने पाकिस्तान में, स्टैचूज तोड़ दिए। तो सर अभी मैंने वही मैं लास्ट में कह रही थी कि बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं, अभी भी वही हाल है। कुछ दिन पहले ही वो आपने शायद रीट्वीट भी किया था, एक बच्चा फिर वो तलवार कुल्हाड़ा लेके खड़ा हुआ है कि ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, इस बात पे कि वो तलवार चलाएगा, और एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को आपके नेशनल डे परेड में उस कार्टून कैरेक्टर को खड़ा कर दिया, बैंड चला दिया, वो जो 23 मार्च का 25 मार्च को जो हुआ। कैन यू इमेजिन कि आपने लोन रेंजर को आप लगा दें अमेरिकन आर्मी के सामने कि ये टोंटो और लोन रेंजर जा रहे हैं, ये और वो प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के, मतलब वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं वो 23 मार्च की करारदाद जो थी ना वो असल में 25 मार्च को हुई थी, मतलब लोग परेशान हो गए, लोगों ने अपने सर पीट लिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। पुअर गाय, इनको माफ कर दे, इनको माफ कर दे, इनका नाम था इन द डिम, ये इन द डिम है, इनकी बत्तियां डिम हुई हुई है, इनको पता नहीं होता कि कौन के क्या। अब कोई शख्स पाकिस्तान में मुझे बताइए, आप जानते हैं इसकी 3-4 शादियां हुई हुई, आई डोंट नो एनीवन, एंड योर प्राइम मिनिस्टर हैज डन एवरीथिंग। नहीं, अभी कभी मैंने रीट्वीट किया था कि कोई आदमी था उसकी 7 शादियां और 21 बच्चे थे, और वो कह रहे थे नाम भी याद नहीं बच्चों के उसको। नहीं, वो पाकिस्तान का था या इंडिया का था? अगर हम जैसे इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम ने ये कहाँ कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए? कोई बात करे पाकिस्तान में तो ये मुल्ला निकल आते हैं कि नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे बात कर रही है और ये तो इस्लाम के खिलाफ है। एक मैं आपको फंडामेंटल बात बताऊं, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में एक स्टेट ऑफ इस्लाम की गुंजाइश है कि तौहीद के बेसिस पे यू विल ओनली सबमिट टू द एंटिटी दैट क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, यू विल नॉट बेंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स, दैट्स तौहीद, दैट इज व्हाई इट बिकेम सच अ पावरफुल मैसेज। इन गंदी दाढ़ी और बगैर मूछ वालों मौलवियों ने देखा कि इसमें तो हमारी कोई गाल बात ही नहीं बनती, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के फौरन बाद ही तो कुफर का इल्जाम लगा के कुछ 26,000 मुसलमानों की गर्दनें काट दी थी, इट वॉज कॉल्ड द वॉर ऑफ अपोस्टेसी, सो उर्दू में क्या कहेंगे,
जो जंग हजरत अबू बकर ने लड़ी, कितने लोगों को मारा है इन्होंने, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई, और कैसे भागे मक्का मदीना से। जब तक हमें ये ना पता होगा कि हम जिसकी भी औलाद हैं, वी कैन नॉट बी अशेम्ड ऑफ आवर मदर्स और अ मदर टंग एंड अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज इंडियंस, द इंडस फ्लोज इन पाकिस्तान, वी आर द रियल इंडियंस। वो तो गंगा जमुना के तहजीब के लोग हैं, ये तमिलनाडु के, हिंदू या सिंधु या इंडस तो हम हैं। हम ही कह रहे हैं नहीं भैया, हम हिंदू हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको पकड़ के उनकी लौंडियां ले जाएंगे, मुसलमान करेंगे, शादी कर देंगे, और फिर देख दंगा फसाद। कितनी वो ईसाई लड़कियों के साथ, नर्सिस के साथ कल परसों क्या हुआ? ऊपर वाला है तो उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, जब चपट पड़ेगी ना, तो जैसे बांग्लादेश में मारे आपने 30 लाख लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे हुए हैं कि उनकी बच्चियों पे जो जुल्म हो रहा है उसका भी वो बदला लेंगे। लेकिन सर ऐसा माहौल पाकिस्तान का ही क्यों है कि वो जो ये नहीं जो निकली थी, वो औरत मार्च वाली जो निकली थी, उनके लिए इतनी गलत लैंग्वेज न्यूज़पेपर ने इस्तेमाल की। देखिए, देयर वाज नेवर अ पाकिस्तान इन द पास्ट, देयर विल नेवर बी अ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। ये ट्रांजिटरी के में अल्बेनिया एक मुल्क था, हमेशा रहेगा। सरकेशियन मुसलमान काफी आबादी है, वो इसराइल में भी रहते हैं, बाहर भी हैं, दे विल ऑलवेज बी सरकेशियंस, टर्क्स विल ऑलवेज बी टर्क्स, ये नेशनैलिटीज हैं। वो लोग जो इंडियन हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे। अबे तुमने शक्ल आने में नहीं देखी, बिरयानी लिखा हुआ था मुंह के ऊपर, सब्जी उगती है तुम्हारे कानों के अंदर, तुम आलू टमाटर प्याज पकौड़े खाने वाले कह रहे हो हम अरब है। अबे किसी अरब का देखा किसी ने निहारी खाते पे? सर यहाँ तो अब रमजान आ रहा है, रमजान को भी सर रमजान को भी रमदान बोलना शुरू कर दिया। देखो बता रमजान इतना खुश होते हैं जैसे अल्लाह उनका बैठे में कह रहे भाई नोट करना बंदे ने रमजान कहा है। आज तक वो रमजान और पूरा ईरान रमजान कहता है, उनको ही तो पिटाई कर दो। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये खुदा हाफिज और रमजान को छोड़ना, ये जो पाकिस्तान पैदा हुआ तो ये ईरान के कांधे पे चढ़ता था। हाँ, इकबाल तो बड़ी फारसी अच्छी कहते हैं, फैज फारसी अच्छी, इनमें से कोई पंजाबी में कुछ नहीं लिखता था, फारसी में लिखता था। तो इनको ये घुमंड होता था कि असल में हमारे नाना के परदादा जो थे ना, उनके चचा ईरान से आए थे। वैसे तो हम रहते हैं बिहाइंड वजीर खान मॉस्क पुरानी लाहौर में, लेकिन खानदानी हम बड़े टॉप क्लास। दिस इज द व्यू ऑफ एवरीवन। आप हिंदुओं कहते हैं कास्ट, आप तो डूबे हुए हैं अचार में, जैसे नहीं डले हुए होते हैं परमानेंटली, ऑलिव ऑयल के अंदर डाल के रखा फिर निकालते हैं आप। यू आर नथिंग एक्सेप्ट लाइज। अ पीपल हु आर सपोज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ have indoctrinated themselves with lies, and jitna aap jhoot bolenge utne bade aap leader ban jayenge।